पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और पाकिस्तान के स्टेडियमों के बीच भारी अंतर को स्वीकार कर लिया। तमाम बातें चलती हैं लगातार सोशल मीडिया पर कि भाई पाकिस्तान में इतने सालों से क्रिकेट नहीं हुई। 2009 में एक आतंकी हमला होता है और उसके बाद से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हो जाती है। और देखिए, एक देश में क्रिकेट बंद हो जाना, इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हो जाने से क्या फर्क पड़ता है, आज इस खबर में, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। दरअसल पाकिस्तान को 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है। होस्टिंग तो आईसीसी ने उनको दे दी, लेकिन उस देश में क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाया है कि वो इतने बड़े आईसीसी के इवेंट को कंडक्ट करा पाएगी या नहीं, इसी सवाल पर मोहसिन नकवी का जो बयान है उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। उन्होंने अपने ही देश के मैदानों की पोल खोल के रख दी। मोहसिन नकवी ने माना कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों के लिए सुविधाओं को और बेहतर बनाना पीसीबी की जिम्मेदारी है। उन्होंने हाल ही में लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम का दौरा किया, बुनियादी ढांचे की जांच की। नकवी ने उन चुनौतियों की ओर इशारा भी किया जिसका सामना बोर्ड को इस समय करना पड़ रहा है, यानी कि अगर पूरे स्टेडियम को नए सिरे से बनाने का फैसला किया जाए तो क्या क्या चुनौतियां आएंगी, मोहसिन नकवी ने उस पर भी प्रकाश डाला है। मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारे स्टेडियम और बाकी दुनिया के स्टेडियमों के बीच बहुत अंतर है। किसी भी तरह से वो इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं थे, कोई भी स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग्य नहीं था। न सीटें थी, न बाथरूम थे और नजारा ऐसा था कि मानो आप 500 मीटर दूर से मुकाबले देख रहे हैं। पाकिस्तान को अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है, मैंने आपको पहले भी बताया, और इसके लिए स्टेडियम को लगातार तैयार किया जा रहा है। पीसीबी प्रमुख ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में बड़े मैच खेले जाएंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि शायद क्या भारतीय टीम की तरफ से या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज की श्योरिटी लगातार दी जा रही है कि भाई भारत की जो टीम है वो पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगी। ऐसे में सवाल ये भी है कि भाई क्या फाइनली पाकिस्तान सिंगल हैंडेडली इस पूरे इवेंट को अकेले होस्ट कर पाएगा या फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत इस मुकाबले को भी भारत के या इस पूरे टूर्नामेंट को भी हाइब्रिड मॉडल के तहत अलग अलग वेन्यूज पर कराया जा सकता है, ये देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में गद्दाफी स्टेडियम में कई बड़े मैचेस खेले जाएंगे। टीमों की यात्रा को आसान बनाने के लिए पास में ही एक होटल बनाने की भी योजना बनाई जा रही है जिसको मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ये पुष्टि नहीं हुई है कि ये काम जो है वो समय पर पूरा हो पाएगा या नहीं, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है, कुछ महीनों का ही बचा है। उन्होंने कहा कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो है जो इस चीज को देख रही है, जो ये काम कर रही है दिन रात कंस्ट्रक्शन का, हम अपने सर्वश्रेष्ठ स्टेडियमों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टेडियमों में से एक बनाएंगे। अभी उनकी सुविधाएं, बुनियादी जो सुविधाएं हैं जो वो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारे स्टेडियम हैं वो पूरी तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को टच करते नजर आए। और जो टीमें लगी हैं उनके भी कॉन्टैक्ट में हम लगातार हैं, उनका भी ये मानना है कि वो जल्द से जल्द काम को समाप्त कर पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या समय रहते पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं, ये जो होटल्स हैं, पूरा रिनोवेशन का काम है, ये पूरा हो पाएगा या नहीं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पीसीबी ने अपने तीन प्रमुख केंद्रों पर क्रिकेट स्टेडियम के नवीनीकरण के लिए लगभग 17 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का बजट जो है वो एलोकेट किया है। हालांकि टूर्नामेंट को पाकिस्तान से हटाने के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इस बात पर संदेह बना हुआ है कि भारत इस कॉम्पिटिशन में पाकिस्तान की यात्रा करेगा या नहीं। भारत और पाकिस्तान ने लगभग एक दशक में एक भी सीरीज नहीं खेली है, लेकिन पाकिस्तान ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत की यात्रा की थी और अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान जाए, जो कि बहुत हद तक नामुमकिन ही नजर आता है। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जिस तरीके से मोहसिन नकवी ने अपने स्टेडियम्स की ही ये जो पोल खोल दी है इसमें कितनी सच्चाई है और क्या वक्त रहते क्या ये सारे रिनोवेशन के काम कंप्लीट हो पाएंगे या पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल स्तर पर किरकिरी होती नजर आ रही है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स टाइम। नमस्कार।